हेलो दोस्तों, मेवेन वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू इनेबल अ प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग इन मेवेन, राइट। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि प्रॉक्सी सेटिंग मेवेन में क्यों हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, राइट, एंड इफ़ यू आर रनिंग बिहाइंड द प्रॉक्सी सर्वर, मतलब कुछ कुछ वेबसाइट्स होते हैं आप नॉर्मल वे में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो दैट कैन बी एक्सेस्ड बाई द प्रॉक्सी सर्वर, राइट। एंड यू मे गेट सम इंफॉर्मेशन लाइक प्रॉक्सी सर्वर का साइट का नेम क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, यूजर नेम, पासवर्ड, दीज आर द इंफॉर्मेशन यू गेट, एंड दोज इंफॉर्मेशन यू हैव टू कन्फिगर इन साइड द सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल, राइट। उसके बाद कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स होंगे जो नॉर्मल सिनेरियो में वो वेबसाइट रिचेबल नहीं होगा, लेकिन इन प्रॉक्सी सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं और वो वेबसाइट रिचेबल हो जाएंगे आपके लिए। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड अ प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग इन मेवेन। अब प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग कैसे करेंगे, देर आर कपल ऑफ वेज यू कैन डू द प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग। पहला वे क्या है वो दिखाता हूँ। आपको जाना है मेवेन जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है उसमें जाना है, और कॉन्फ के अंदर सेटिंग डॉट एक्सएमएल होगा। तो डायरेक्टली आप चाहे तो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल में चेंज कर सकते हो, लेकिन आई विल रिकमेंड यू टू नॉट टू मेक चेंज देयर। इंस्टेड जस्ट कॉपी सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल, और उसके बाद जाना है आपको सी ड्राइव, यूजर्स, योर यूजर नेम, एम टू डायरेक्टरी है, यहाँ पर आपको सेटिंग डॉट एक्सएमएल को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर में इसे ओपन कर लीजिए, और आपको सर्च करना है प्रॉक्सीज करके, एक प्रॉक्सीज करके होता है टैग, राइट, हियर यू कैन सी प्रॉक्सीज, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो कमेंट क्या लिखा हुआ है, प्रॉक्सी ए स्पेसिफिकेशन फॉर वन प्रॉक्सी टू बी यूज्ड इन द कनेक्टिंग टू द नेटवर्क, राइट। तो ये क्लियरली दिया है, इसको ये जो कमेंट है इसको अनकमेंट करना होगा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। जहाँ प्रॉक्सी टैग, ऑफकोर्स यू कैन कॉन्फिगर मोर देन वन प्रॉक्सी, लेकिन एक बार में एक ही प्रॉक्सी एक्टिव रहेगा, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब प्रॉक्सी सर्वर हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आईडी होता है, ऑप्शनल होता है, ये दो ना दो डजंट मैटर, राइट, इसको डिलीट भी कर दोगे चलेगा, लेकिन यहाँ एक्टिव ट्रू करना होगा, मतलब ये प्रॉक्सी सर्वर जो कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो ट्रू है तो एक्टिव है। इफ़ यू हैव अ मोर देन वन प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर इनसाइड द प्रॉक्सीज, तो एक बार में एक ही एक्टिव रखना होगा आपको, ये चीज़ दिमाग में रखना है। उसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल के लिए आपका प्रॉक्सी सर्वर काम करता है, लेट्स से HTTP या HTTPS है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ प्रोटोकॉल्स देना है, राइट। उसके बाद यूजर नेम, पासवर्ड देना है, और उसके बाद होस्ट नेम देना है, जो आपका होस्ट नेम बोलूँ तो सर्वर नेम जो होता है वो आप पोर्ट नंबर, राइट। एंड ऑल्सो यू कैन, इफ ऑप्शनली यू कैन स्पेसिफाई नॉन प्रॉक्सी होस्ट एज वेल, एंड नॉन प्रॉक्सी होस्ट मतलब कौन सा ऐसे होस्ट है जो प्रॉक्सी रिक्वायर्ड नहीं है, तो उन होस्ट्स को आप क्या कर सकते हो, पाइपलाइनिंग से सेपरेट कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू कॉन्फ़िगर दिस वन इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो, बट हाउ टू कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी आप समझ गए, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्फ़िगर इट, जस्ट टेलिंग यू टू द वे टू कॉन्फ़िगर द प्रॉक्सी, दैट्स हाउ वी कॉन्फ़िगर इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एक बार आपने settings.xml को अपडेट कर दिया, तो आपको जाना है Eclipse में, अपने फेवरेट ID में जाना है, बेसिकली मैं Eclipse यूज कर रहा हूँ तो Eclipse में मैं बता रहा हूँ, प्रेफरेंस में जाना है, यहाँ जाके आपको मेवेन सर्च करना है, मेवेन, राइट। मेवेन के अंदर यूजर सेटिंग्स होगा, यूजर सेटिंग्स के अंदर दो ग्लोबल सेटिंग्स है, एक है यूजर सेटिंग्स। इन केस आपने settings.xml जो कि मेवेन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है वहाँ पर settings.xml चेंज किया है, तो यहाँ से ब्राउज करना होगा। इन केस आपने settings.xml को मॉडिफाई करने के बाद उसे आपने पेस्ट करा है .m2 डायरेक्टरी में, तो आपको यहाँ से ब्राउज करना है, राइट। ब्राउज करने के बाद settings.xml को यहाँ एक्सेस करो, अपडेट सेटिंग्स कर देना है, यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपने जो भी प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग किया था वो अप्लाई हो जाएगा, पहला भी ये है। दूसरा तरीका ये है कि लेट्स से यू डोंट वांट टू डू यूजिंग settings.xml, तो डायरेक्टली आप Eclipse में भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं, आपको जाना है विंडोज में, प्रेफरेंसेस में, यहाँ पर सर्च करना है नेटवर्क करके सर्च करना है, राइट। देन यू गेट दिस ऑप्शन, समथिंग इज कॉल्ड नेटवर्क कनेक्शंस, तो इसको सेलेक्ट करना है आपको, और एक्टिव प्रोवाइडर के में आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, यहाँ मैनुअल सर्च कर लेना है, राइट। और डिपेंड्स ऑन योर प्रॉक्सी सर्वर प्रोटोकॉल, आपका प्रॉक्सी सर्वर इज लेट्स से रनिंग बिहाइंड द HTTP प्रोटोकॉल या HTTPS, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेलेक्ट, लेट्स से कि प्रॉक्सी सर्वर
आपका सपोर्टेड है HTTP प्रोटोकॉल, तो ये सेलेक्ट करना है और एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रॉक्सी सर्वर का नेम लिखना है, जो होस्ट नेम होता है बेसिकली, ये पोर्ट नंबर, और यदि ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है तो इसको सेलेक्ट करना है, रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम, पासवर्ड देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो डायरेक्टली इस केस में आपको settings.xml की मॉडिफिकेशन को जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप Eclipse में ही प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग आप सेट कर सकते हो। उसके बाद जो भी वेबसाइट्स रिस्ट्रिक्टेड होगा आपके लिए, जहाँ से आपके आर्टिफैक्ट्स डाउनलोड हो रहे होंगे आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट, इसमें जो भी डिपेंडेंसी है, जो आपके कुछ ऐसे साइट्स हैं जो नॉर्मल सिनेरियो में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, राइट, दैट्स रनिंग बिहाइंड द फायरवॉल, तो उसके बाद वो साइट एक्सेसिबल होगा, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड होगा और जो भी डिपेंडेंसी है सक्सेसफुली वहाँ से डाउनलोड होकर आपके लोकल रिपोजिटरी में स्टोर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में।